The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों, अगर आपने कभी जिंदगी में फास्टिंग करने का सोचा है कि मैं चलो फास्टिंग करता हूं, ऋतिक रोशन ने अभी 36 घंटे की फास्टिंग की थी ऐसा सुनने में आया था, और उसके चलते काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि भी फास्टिंग विल बी अ बेटर चॉइस की वेट लॉस करें, फलाना ढमकाना ढमकाना. लेट्स कंपेयर दिस सिचुएशन फास्टिंग टू दिस लॉकडाउन. यस, लेट्स कंपेयर एंड अंडरस्टैंड. सो आपकी कंट्री है, कंट्री में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं. अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लॉकडाउन हो जाए. वैसे ही आपके शरीर में अमीर टिश्यूज हैं, फैटी टिश्यूज हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने खाना खाया या नहीं खाया. आपके शरीर में जो चर्बी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने खाना खाया या नहीं खाया, उसके पास चर्बी है, वो चर्बी का इस्तेमाल कर लेगा. चर्बी. सो ये अमीर लोग हैं, अमीर आपके शरीर में. वैसे ही दुनिया में जो अमीर लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लॉकडाउन है, धंधे चल रहे हैं नहीं चल रहे, उनके पास बहुत जमा पूंजी है, काइंड ऑफ. फिर एक सेकेंड कैटेगरी के लोग आते हैं, मिडिल क्लास लोगों के पास लिमिटेड पैसा है. लिमिटेड पैसा, जब हमारे पास लॉकडाउन नहीं है तो कुछ ही दिन चलेगा, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, बस कुछ महीने. वैसे ही आपके शरीर में आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लिमिटेड है. ये अगर लॉकडाउन हो जाए, मतलब आप खाना ना खाए, फास्टिंग हो जाए, तो कुछ ही दिन चलेंगे, वो कुछ ही दिन के बाद में ख़त्म हो जाएंगे. ये कंपैरिजन समझने वाली बात है. और तीसरे हैं जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अभी अभी अपना घर बनाया हो, बड़ी मुश्किल से अपना अभी एक काम धंधा, एक रेडी, एक दुकान, एक कोई काम सेट किया था, एक ट्यूशन क्लासेस बनाई थी या एक डांसिंग क्लासेस बनाई थी या एक फलाना छोटी सी रेडी खाने पीने की टपरी बनाई थी या एक फूड जॉइंट बनाया था या एक कैफ़े बनाया था या कुछ बनाया था, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के एक लोअर क्लास मिडिल क्लास का इंसान, वो है बड़ी मुश्किल से बनी आपकी मसल के जैसा, बड़ी मुश्किल से, मेहनतों से, शिद्दतों से आपने बनाई होती है आपकी एक मांसपेशी, आपकी मसल, वो बड़ी मुश्किल से बनी एक दुकान, एक टपरी के जैसी होती है. और अगर आप खाना नहीं खाते हो, अगर लॉकडाउन बंद रहता है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती है आपकी मसल्स को, सबसे ज़्यादा मुश्किलात. सेकंड क्लास मिडिल क्लास लोगों में तो दिक्कत होती है, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट तो कम होगा ही, लेकिन ये जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, इनकी जो पूरी की पूरी लिटरली दिनचर्या, इनकी पूरी की पूरी जमा पूंजी, इनकी पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है. यानी आपकी आज तक की सारी मेहनत ख़राब हो सकती है लॉकडाउन के चलते. ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं लॉकडाउन में. पहली बात इसको समझ लो, कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, इसको कंपेयर करो आप प्रोटीन के साथ. आपके शरीर में बनने वाला प्रोटीन, जो आपने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके भी आधा किलो मसल एक महीने में बनती है, आधा किलो मसल बड़ी मुश्किल से एक महीने में बनती है, उसको वहीं आधा 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 आधा, कभी आधा, कभी चप्पा, कभी आधा, कभी चप्पा, चप्पा नहीं पता तो 250 ग्राम को चप्पा बोलते हैं, कभी आधा, कभी चप्पा, कभी आधा, कभी चप्पा, कभी एक किलो, कभी किसी ने स्टीरॉयड लेके बना ली मसल. अब इस मसल को ना मिला क्या, ना मिला खाना, ना मिला क्या, एनर्जी का मतलब लॉकडाउन हो गया तो मसल को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिली. आपने फास्टिंग करी फास्टिंग. अब फास्टिंग की बात कर रहे थे हम, लॉकडाउन मतलब फास्टिंग. तो फास्टिंग में क्या हुआ, इस मसल को ना तो प्रोटीन मिल रहा है, ना तो कार्ब्स मिल रहा है, और फैट जो है बर्न होके कीटोन्स बन रहा है कि बेयरली मिनिमम आपके जो इंपॉर्टेंट काम्स हैं उनको चला सके. और 2-10% के रेट में मसल भी गिर रही है, 2-10% के रेट में मसल गिर रही है. 10% मसल गिरता है तो 80-90% फैट गिरता है. ये ज़रूर सच है कि फैट भी गिर रहा है, मसल भी गिर रही है. क्यों गिर रहा है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर एक अमाइनो एसिड पूल होता है, उस अमाइनो एसिड पूल को ज़िंदा रखना है, उस अमाइनो एसिड पूल को, उस ब्लड शुगर को ज़िंदा रखना है. कहने का मतलब है, अगर फास्टिंग के दौरान आपने थोड़ा सा भी आपने खाना खा लिया तो फास्टिंग का बेनिफिट नहीं होगा.
फास्टिंग का जो बेनिफिट नहीं होगा अगर वो फास्टिंग के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल प्रॉपर नॉर्मलाइज हो रहा है। सो फास्टिंग का बेनिफिट मतलब आप फैट लॉस चाहते हो, यानी अगर आपने उतना लेवल पे खाना खा लिया तो। लेकिन इसको कंपेयर करें, जो मैं कहना चाह रहा था कि इसको कंपेयर करिए आज लॉकडाउन में। अब अगर हम बात करें कि किसी को खाना नहीं मिल रहा, मान लो आपके बॉडी को भी नहीं मिलता खाना और लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में किसी को कमाई नहीं हो रही। अब अगर डोनेशन आ रहा है, राइट, हम सोचे कि भाई किसी को तो खाना मिले, तो वो डोनेशन है, वो खाना है, अगर यही ऑप्शन होता कि किसी एक को दे दो, तो किसको देना चाहिए? लोअर मिडिल क्लास वालों, जी हाँ, जिनको खाने के लाले हैं, जिनको खाना वो नहीं मिल रहा, राइट, उनको देना चाहिए। मान लो लॉकडाउन में ऐसा सिचुएशन आ गया कि बाहर ना सब्जी मिल रही है, सब के घर में जितना राशन है सब खत्म, अमीर हो या गरीब हो सब एक बराबर हो गया, सब एक बराबर हो गया। लेकिन ये बात याद रखिए, जो अमीर होगा फिर भी उसके घर में राशन तो होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा अमीर से गरीब से, तो गरीब को खाना मिलना चाहिए वहाँ पर। सेम वे ऐसे सिचुएशन में जब आप फास्टिंग करते हो, आपकी गरीब मसल्स को प्रोटीन देना चाहिए। इसीलिए अगर आप फास्टिंग भी कर रहे हो, आपको ज़रूरी है उस समय अपने मसल्स को कुछ प्रोटीन तो ज़रूर देना। तो अगर आप फास्टिंग करना चाह रहे हो एकदम बिना कोई खाने पीने की फास्टिंग, राइट, बिल्कुल खाना ही नहीं खाएंगे सिर्फ पानी पिएंगे वाली फास्टिंग, तो आपको विटामिंस लेना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम कोई प्रोटीन सोर्स या चिकन या फिश या एग्स या वे प्रोटीन लेना चाहिए, ताकि आप जो मसल मास है वो लूज मिनिमम करें। जो 10% हो सकता था उसको अगर आप 2% या 1% कर दोगे मसल लॉस होने को, तो सोचो कितना बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। सोचो आपके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगला 6 से 8 महीना ऑफ मसल बिल्डिंग विल गेट रिड्यूस्ड इफ यू आर नेचुरल, और स्टीरॉयड वाले हो तो अगले 2 महीने विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट हियर, कि अगर आप कभी फास्टिंग करते हो, डोंट डू वेरी ड्राई और वेरी यू नो बिना किसी खाने पीने की फास्टिंग, या एक दिन 24 घंटे 48 घंटे वाली फास्टिंग अगर कर रहे हो, तब भी आपका प्रोटीन इनटेक मिनिमम 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए। 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इनटेक जरूर करिए। खूब सारा पानी कम से कम पीजिए, बिकॉज एनी मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी नीड्स वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर गरीब लोगों को पानी भी नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा दिन वैसे भी नहीं रह पाएंगे, बिना खाने के फिर भी वो कुछ दिन रह लेंगे, कुछ हफ्ते रह लेंगे, पर पानी भी नहीं मिलेगा तो दिन भी घंटे भी निकलना मुश्किल हो जाता है। सो आपकी बॉडी को ड्राई फास्टिंग मत करवाइएगा। फास्टिंग अगर कोई कर भी रहा है तो प्रोटीन्स का ध्यान दें, पानी का ध्यान दें, विटामिन ज़रूर लें और अपने हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल हैपन इन योर किडनीज, इन योर लिवर, साइड इफेक्ट्स विल हैपन। इफ यू डोंट नो द साइड इफेक्ट्स देन गो एंड वॉच माई फास्टिंग वीडियोज। फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड बट इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड, जहाँ वो आपको सब्जी बना के दे सकती है, वहाँ वो आपको उंगली भी काट सकती है। सो इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ बैड थिंग, यू नीड टू यूज़ इट विथ इंटेलिजेंस। थैंक यू, आई होप ये काम आया होगा। अगर काम आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन।